नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आरजेडी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें आरजेडी की तरफ से ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि महागठबंधन के सभी सहयोगियों ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मान लिया है और महागठबंधन में अब सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कल आरजेडी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों में सहमति बन गई है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। कोई झगड़ा महागठबंधन में इसको लेकर नहीं है, कोई संशय की स्थिति नहीं है। हमारा लक्ष्य एनडीए को हराना है। और आप जानते हैं इससे पहले का राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहा है, इससे पहले क्या स्थिति और परिस्थिति रही है सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर महागठबंधन में महाघमासान रहा है। अब आरजेडी के इस दावे में कितनी सच्चाई है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन आप जानते हैं जीतनराम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर महागठबंधन से अलग होने का संकेत भी दे चुके हैं। लगातार वो अल्टीमेटम देते रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। दूसरी तरफ सीएम उम्मीदवारी को लेकर सिर्फ जीतनराम मांझी नहीं, महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल ये कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी के सीएम कैंडिडेट हैं, महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, महागठबंधन किसके नाम पर मुहर लगाएगा, ये महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फैसला होगा और इसको लेकर महागठबंधन में घमासान रहा है। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन में सहमति बन चुकी है, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे और तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो इस पर प्रतिक्रिया आई है हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान की। उन्होंने कहा है कि न तो मीडिया को और न ही हमारी पार्टी को, न ही हमें ऐसी किसी बैठक की जानकारी है। हम लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस की बैठक की जानकारी हमें है, कांग्रेस के साथ बैठक हुई थी और कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और वही कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा, लेकिन इस दावे को लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो कल जयप्रकाश नारायण यादव ने जो दावा किया कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे तेजस्वी यादव और महागठबंधन में इस पर सहमति बन चुकी है, उस दावे को आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने खारिज कर दिया है। यानी झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, घमासान खत्म नहीं हुआ है, महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर झगड़ा अब भी है, घमासान अब भी है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।